करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वार्टर फोर। चतुर ध्रुव भाई क्वार्टर पोल है, इसमें आपके चार ध्रुव हैं, ठीक है। क्वार्टर पोल जैसे डाइपोल था ऐसे ही आपका क्वार्टर पोल है। आज मेरे मोबाइल वगैरह सारे घर रह गए से मांगने वाली चीज से काम चल रहा। लिखो भाई अरे थोड़ा ठीक कर लीजिए। क्वार्टर पोल इसमें लिखें एक क्वार्टर पोल, एक क्वार्टर पोल यानी कि चतुर्ध्रुव दो छोटे द्विध्रुवों का संयोग है, दो छोटे द्विध्रुवों का संयोग है। एक क्वार्टर पोल इज द कॉम्बिनेशन, एक क्वार्टर पोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल डाइपोल जो एक दूसरे जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, विच आर सेपरेटेड, विच आर सेपरेटेड विद ए डेफिनेट डिस्टेंस, विद ए डेफिनेट डिस्टेंस और इस प्रकार रखे जाते हैं, और इस प्रकार रखे जाते हैं एंड प्लेस्ड सच ए वे, प्लेस्ड सच ए वे कि उनके द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर विपरीत दिशाओं में, उनके द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर विपरीत दिशा में हो। इस प्रकार रखे होते हैं such that whose dipole moments are in opposite directions, are in opposite directions। देखिए बच्चों जैसे सपोज किया एक डाइपोल ये है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल हो गया, द्विध्रुव यही तो है, दो पोल दो अपोजिट चार्ज है। एक और इसके पास में रख दिया एक डेफिनेट डिस्टेंस पर और ये भी आपका, चलो इधर लिख देता हूँ माइनस क्यू और ये आपका, तो डाइपोल जो होता है इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन रखता है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी किधर होगी और इसकी, तो दोनों कैसे हो गए विपरीत दिशाओं में हो गए। इस तरह का जो भी सिस्टम दोनों एक जगह होंगे इसी को बोलेंगे क्वार्टर पोल। या ये मान लीजिए आपका एक ये है और ये आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू और इसके पास दूसरा रखा है तो इधर आ जाएगा माइनस क्यू और अपोजिट हो गए। या ऐसे भी हो सकते हैं एक ये है और इसके पास में दूसरा डेफिनेट डिस्टेंस पर ये रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू तो इधर माइनस क्यू और प्लस, ये सभी क्वार्टर पोल को ही शो कर होगा, सारी चीजें होंगी। अच्छा कैसे रहेगी, देखिए ऐसा होता है
कि मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि अट्रैक्शन होने के बावजूद भी कुछ डिस्टेंस पर चीजें रहती हैं अगर स्टेबल है, यानी कि कोई भी दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसको हम आर नॉट से एटॉमिक में शो कर देते हैं। अगर उस डिस्टेंस से एटम दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच में गैप को कम होता था तो ऑलरेडी जो एटम रिपल्सन लगाने लगते थे, अगर ज्यादा होता था तो अट्रैक्शन करने लगते। ये प्रोसेस यहाँ अगर स्टेबल कंडीशन में है तो ये यहाँ रहेगा, हालांकि चिपकने चाहिए लेकिन बीच में कुछ मेटेरियल भी तो भरा हुआ है, ठीक है, चिपकते ही हैं वैसे तो, लेकिन इनके बीच में कुछ गैप बना रहता है। जैसे आपके सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर, एटम से मिलकर, एटम से मिलकर, एटम को हम जैसे NaCl कह देते हैं, अलग अलग है लेकिन वैसे फिर भी क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो नमक बनेगा, नमक में NaCl दोनों मिले हुए, ऐसे ही ये चीज निश्चित दूरी में है कि नहीं। मान लिया जाए कि इनके दोनों ध्रुवों के बीच का डिस्टेंस L, यहां भी L आ जाएगा, यहां भी है, और यहां भी। तो इनका जो क्वाड्रोपोल मोमेंट होगा वो 2qL2। हाँ तो 2L होती है, यहाँ हमने L L ले ली है क्योंकि हमारे जो डेरिवेशन आएंगे ना उसी के तरह से तो भी हो जाएंगे, आसानी बनी रहेगी, इसीलिए हमने इनका एल एल मान लिया। हाँ ये डाइपोल ये रहा, दूसरा डाइपोल ये है, और दोनों डाइपोल मिलके क्या बन गया, क्वाड्रोपोल, बस ये बन गया। बस यहाँ चेंज क्या कर लिया है, पहले हम डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस था उसको 2L ले रहे थे, यहाँ L ले लिया, तो पूरे क्वाड्रोपोल का डिस्टेंस आपका 2L हो जाए, क्वाड्रोपोल मोमेंट चतुर्ध्रुव आघूर्ण। एक काम करो, आप एक बार एक कट करते हैं, बता दीजिए कट कर दो क्या परेशानी है ये तो सर। ये 9 2। अब एक क्वाड्रोपोल मोमेंट QD से शो कर देते हैं इसे, और 2qL2 ये हो जाएगा। अब हम जैसे हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाला था, ऐसे ही हम क्वाड्रोपोल की वजह से निकालेंगे, तो लिखेंगे जी जैसे उसमें NaCl हो गया एक डाइपोल और दूसरा NaCl मिलके क्वाड्रोपोल, हाँ तीन नहीं
अब ये दो हुए हैं, फिर चार चाहिए, फिर आठ चाहिए। हाँ, ये आपका क्वाड्रोपोल बना, फिर इसके बाद ऑक्टोपोल बनता है। अभी आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा। वो स्टेबल कंडीशन बन नहीं पाती है, स्टेबल हो नहीं पाता, बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए क्वाड्रोपोल, एक चतुर्भुज के कारण एक चतुर्भुज के कारण वैद्युत विभव व क्षेत्र थोड़ा सा इसमें चेंज है, आपका याद हो जाएगा। आपको इस तरह से एक आपका क्वाड्रोपोल हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके पास में ये दूसरा रखा है, तो ये भी आपका ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर माइनस टू क्यू, और ये आपका प्लस क्यू। भाई ऐसे क्वाड्रोपोल बन गया ना, ये एक इसका माइनस क्यू, एक इसका, आपस में जुड़े हुए हैं। अब इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहाँ पर पी है, और इस पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे हमने पहले में किया था, इसका यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी आपका चार्ज है इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं। और जो आपका फाई या बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, तो इसमें चार चार्ज हैं, दो एक जगह मिले हुए हैं, ये तो हर चार्ज की वजह से हम यहां निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, और फिर क्या कर दें उनको जोड़ दें तो पूरे डाइपोल सॉरी क्वाड्रोपोल की वजह से आ जाए। अलग अलग का निकाल के सभी को जोड़ दें तो पूरे की वजह से आ जाएगा ना। तो देखिए ये आपका हम क्या ले लें, ये R वेक्टर, इसको क्या माना था R1, और इसको ऐसा हम मान चुके हैं, और आपका ये थीटा एंगल हो गया, इसको आप आगे कह देंगे एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, और एक इनके रिजल्टेंट ये हो जाएगा। इसको ER कहते थे, ये आपका ठीक थीटा, ये कंडीशन आपकी बन जाए। बन गया, इसको आप ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इस पॉइंट को ओ कह दीजिए। लिखेंगे इसमें, माना एक रेखीय चतुर्ध्रुव चित्र में दिखाया गया है, लेट एंड लेट ए लीनियर
क्वाड्रुपोल, फ्लैट एंड लीनियर क्वाड्रुपोल इज शोन इन द फिगर. जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, whose center is as origin, whose center is origin, ऐसे लिखो. और द्विध्रुवों के आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल एल है. और देखिए ये मैंने ले लिया है, लेकिन ये बहुत फास्ट फास्ट है, ठीक है, होगा इसमें रिपल्सन होगा जरूर, लेकिन वो रिपल्सन जहां तक बियर कर सकता है ये वहां है. ऐसे तो जो डाइपोल था आपका, डाइपोल को ही अगर हम समझें, एक आपका यहाँ माइनस क्यू और यहाँ आपका प्लस क्यू हो गया, और ये बहुत फास्ट फास्ट थे, तो क्या हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल जुड़ जाने चाहिए. इनकी वजह से तो नमक जुड़ जुड़ के बनता है, ठीक है, तो वही चीज है. अच्छा, जैसे आपका एटम को ऐसे माना गया, ऐसे जुड़े रहते हैं, इनके बीच में कुछ गैप भी तो रहता है, या उनको बॉन्ड्स कह दीजिए, बॉन्डिंग इनके अंदर बनी हुई. यानी कि जुड़ने का मतलब सीधा साधा ये नहीं है कि Na और Cl आपस में बिल्कुल नष्ट हो गए, ठीक है, नष्ट नहीं होते, साथ साथ है, अट्रैक्शन है, ठीक है, बस क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज रखते हैं. नेगेटिव पॉजिटिव का सीधा सा मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे नष्ट हो जाए, बस क्या है, न्यूट्रलाइज रहते हैं, वो बैलेंस करते रहते हैं एक दूसरे को, बस बाकी रहते साथ. ऐसे ही ये अट्रैक्शन था. यहाँ इसका एक स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ इसका है, अब वो इसका, अब वो दोनों स्ट्रेंथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस करते हुए एक साथ, बस इसमें ये है. आपने क्या लिखा, एंड स्मॉल एल इज द डिस्टेंस बिटवीन, एंड स्मॉल एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल, टू चार्जेस ऑफ डाइपोल. तो डाइपोल के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है कितना, एल, और ये भी है. तो बच्चों मान लीजिए, माना एक बिंदु P है, लेट ए पॉइंट P, उसके ध्रुवीय निर्देशांक आर कॉमा थीटा है. माना एक बिंदु P है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक आर कॉमा थीटा है, लेट ए पॉइंट P, उस पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर कॉमा थीटा. कार्टेशियन लिख दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, यही लिख दीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है आपके एक्स कॉमा वाई, जो कार्तीय निर्देशांक आपके होते थे. अब क्या है, हमने इसमें मान ली कि जो आपके प्लस क्यू चार्जेस हैं उनकी पी से दूरियां आर वन बाय आर टू. लेट माना प्लस क्यू आवेशों से बिंदु पी की दूरियां आर वन बाय आर टू है. लेट आर वन एंड आर टू आर द डिस्टेंसेस, आर द डिस्टेंसेस ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम पी, जैसा चित्र में दिखाया गया है, विच इज शोन इन द फिगर. हाँ जी, कोई बात नहीं, जैसा चित्र में दिखाया गया लिखो. तब बिंदु पी पर वैद्युत विभव, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी. देखो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तब बिंदु पी पर वैद्युत विभव,
पाई से सो कर लू कितना होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए क्या आएगा क्यू अपॉन आर वन माइनस टू क्यू ओवर आर प्लस क्यू ओवर अलग अलग चार्जेस की वजह से, पहले की वजह से फोर पाई ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा और सभी को हमने जोड़ दिया तो टोटल की वजह से आ, तो इसमें से pi is equal 1 upon 4 pi epsilon naught q आपने कॉमन ले लिया 1 upon r1 ऐसे लिख देता हूं 1 upon r2 minus 2 upon r equation number 1। अब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये जो l है, अच्छा डाइपोल को जो हम लिखते थे ऐसे लिखते थे q is equal to p is equal to 2ul या ऐसे भी लिखते थे l की डायरेक्शन, तो ये l आपका देखो ये डायरेक्शन ये है ये वाली और ये इस तरह से ठीक है। अब हम सपोज करें इन ट्रायंगल, प्लीज इस बात को देख लीजिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें ले रहे हैं हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन होता है ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर और इसका उल्टा ये, यानी कि अगर ये ए है ये बी है तो ये हो जाएगा ए प्लस, यहां देखें ये एल वेक्टर है और ये स्मॉल आर वेक्टर है और ये आपका, तो यहां से हम वेक्टर एडिशन लगाएं तो आपका ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल r वर्ग l वेक्टर प्लस लिख सकते हैं ना, अच्छा तो r वन लिखें तो r वेक्टर माइनस l वेक्टर इतना आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड दो वेक्टर हैं उनका निकालने का तरीका होता है जैसे a और b हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है पूरा, तो यहां आपके a और b के प्लेस पर ये वेक्टर है तो देखिए अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आएगा r1 is equal under root r square plus l square minus आ जाएगा यहाँ minus है बीच में 2 r l cos r और l के बीच में एंगल कितने का है थीटा, इसलिए आपका यहाँ थीटा, इसको हमने देखना r1 is equal r square plus l square minus 2 r l cos theta power 1 by 2, हमें चाहिए क्या 1 upon r1, तो हम क्या करें इसे उल्टा कर लें, हमने इसको अपोजिट किया तो 1 upon, अपोजिट करने से पहले एक काम और करते हैं टोटल में से r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाहर r आएगा क्योंकि पावर 1 बाय 2 है, तो देखिए r1 इज इक्वल r बाहर आया यहां बचा 1 प्लस l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2 r l ओवर r स्क्वायर l cos थीटा टू द पावर 1 बाय 2, ये आएगा आपको अब कर लीजिए अपोजिट से तो वन अपॉन आर वन ये क्या आएगा वन अपॉन आर ये भी अपॉन में आएगा
और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में 1 प्लस एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 2 एल ओवर आर कॉस थीटा टू द पावर माइनस 1 बाय, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला है आपका 1 प्लस एच टू द पावर माइनस 1 बाय 2, ये आता है 1 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 8 एक्स क्यूब और आगे आता है ये फॉर्मूला, ये एक्स आता है बच्चों करेक्ट है, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर इस तरह से। अब क्या करें, इतने को आप मान लीजिए x और ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो 1 अपॉन r1 इज इक्वल 1 अपॉन r, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 और ये वाला x का काम करेगा, तो ये आपका l स्क्वायर ओवर r स्क्वायर माइनस 2 l ओवर r cos थीटा प्लस 3 बाय 8 एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 2 एल ओवर आर कॉस थीटा प्लस आगे इस तरह से आपका। अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट को खोल लें, देखिए क्या आएगा 1 अपॉन आर 1 इज इक्वल 1 अपॉन आर, प्लीज ध्यान दें इधर पहले मैं 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई 2, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं एल स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा। अब ये 3 बाई 8 है उससे पहले इसे खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलते जाए और गुणा भी करते जाए, तो पहला खोलेंगे तो ये आएगा आपका एल टू दी पावर 4 अपॉन आर टू दी पावर 4 यानी प्लस 3 एल टू दी पावर 4 अपॉन 8 आर टू दी पावर 4 प्लस 12 यानी कि 12 अपॉन 12 L upon 20 इसे लिख लेते हैं पहले A और ये आएगा L square over R square cos square theta, अब माइनस आएगा 2 और 2 ये हो गया 4 12 ही आया 12 upon 8 और L क्यों हो जाएगा L cube over R cube और cos ये आपका आ जाएगा और प्लस आगे भी कुछ क्वांटिटी आए। भाई मैंने ब्रैकेट को खोल दिया है और 3 by 8 का मल्टीप्लाई के साथ कर दिया। इसे आप दो टर्म तक ले लीजिए 1 upon r1 is equal 1 upon r 1 minus एक तो l upon r ये अकेला टर्म है तो प्लस l upon r cos theta। अब देखिए l square upon r square का कोई टर्म हो l square over 2 r square एक यहां आ जाएगा l square upon एक यहां से भी कॉमन आ जाएगा
और ये तो यहाँ से भी आ जाएगा। एक काम करिए, हाँ बिल्कुल ठीक, आप एल स्क्वायर और आर स्क्वायर कर लीजिए, बस आगे जो आएंगे देखा जाएगा। तो प्लस ली माइनस ही ले लेता हूँ, एल स्क्वायर ओवर टू आर स्क्वायर, तो ये वन हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का, तो कितना आएगा ये इधर 12/4। और भी आगे आएंगे चीजें, यहीं तक मान लेते हैं, इतनी ही हमें नीड होनी चाहिए। चेंज ये इस तरह से चेंज हो गया है।
ये करके नहीं देखो, ये इस तरह से था, ये आर था, ये आर टू, ये आर वन और ये आपका एल, ये लो एल प्लस आर इज इक्वल क्या आएगा आर टू, तो यहाँ क्या आ रहा था एल प्लस आर वन इज इक्वल आर, चिन्ह नहीं आ जाएगा, यहाँ हमने निकाला था R2 इसमें पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ R1 निकाल रहे थे तो क्या आता था R माइनस है, ठीक है। अब फिर इसका वो निकाल लेंगे हम मैग्नीट्यूड, तो अपना साइन यही आएगा, इतनी बात तो मान सकते हैं, ठीक है। वन अपॉन R कॉमन ले लो, तो ये लीजिए वन अपॉन R कॉमन, तो पहले ये आएगा वन प्लस एल ओवर आर कॉस थीटा माइनस एल स्क्वायर ओवर टू आर स्क्वायर वन माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका आया आर वन, फिर आएगा प्लस आर टू का तो वन माइनस एल ओवर आर कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर ओवर टू आर स्क्वायर वन माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू और माइनस टू, क्योंकि माइनस टू क्यू था, ये आपकी ये चीज इससे कैंसिल हो रही है आपस में, वन बन टू हो गए ना, वन बन टू और ये माइनस का टू और ये एक जैसे है प्लस माइनस के, और आपके अच्छा ये तो ये भी कैंसिल हो रहा है, सुनो सुनो मैंने अच्छा अच्छा एक मिनट सुनिए, ये जो मैंने कौन सा माइनस किया ये माइनस किया इसमें इसमें भी प्लस का है इसमें भी प्लस का है, अच्छा अच्छा यानी कि ये प्लस कराएगा yes, अरे देखो माइनस का है, अरे माइनस का है तो मुझे लग रहा है ये वाला जो टर्म है आपका ये प्लस का आएगा आपका, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और आपका हाँ ठीक, जब इसको करते हैं ना तो ये माइनस, ये तो माइनस यहाँ आता है और ये रहता है एज इट इज, ये एज इट इज रहता, चाहो तो करके देख लेना, इसका मतलब ये कि आपका यहाँ ये माइनस में रहेगा, अब हाँ आगे आगे हो गए ना ये जुड़ जाएंगे भाई वन पर टू वन पर टू इतना आ रहा है तो ये माइनस के आ जाएंगे, अरे कुछ पता चल रहा मैंने क्या किया भाई, सिमिलरली माना है तो सिमिलरली में क्या है कि जब सॉल्व करेंगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा, तो एग्जैक्ट क्या आएगा आपका ये वाला टर्म है ना ये तो सेम आएगा, प्लस माइनस केवल यहाँ होगा, तो आपका आएगा पाई इज इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R, तो ये माइनस का आएगा L स्क्वायर ओवर R स्क्वायर और बच्चों वन माइनस थ्री cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें इसमें, इस माइनस को यहां ले जाएं तो उल्टा हो जाएगा, Y इज इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आया Q L स्क्वायर अपॉन R क्यूब और थ्री cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब क्या करें इसमें हम टू से डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लीकेशन,
तो ये आया आपका पाई इज इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू एल स्क्वायर। ये क्या था? पर्टिकुलर मोमेंट, इसीलिए ये है टू आर क्यू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या आएगा? टू। बट हाँ जी, ये एल अपॉन आर कॉस थीटा, अरे ये मैंने प्लस कर दिया, ये था प्लस का और ये सही क्वेश्चन है, सही प्लस है और ये माइनस का, ठीक है? ये जब देखने में कर दिए थे ना, इसके बाद करेक्ट नहीं किया था। बट 2qx स्क्वायर, इसको क्या कह देंगे? q t क्वाड्रोपोड मोमेंट, क्वाड्रोपोड मोमेंट। ये हो गया आपका चतुर्भुज आघूर्ण, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपका pi is equal 1 upon 4 pi epsilon naught, इसको qt कह दें, upon 2rq 3 cos square theta minus 1। इक्वेशन नंबर यही आ गया भाई, आर डिस्टेंस पर पार्टिकुलर मोमेंट। फाई को अब क्या लिख सकते हैं हम? फाई आर कॉमा, क्योंकि आर और थीटा के टर्म में आ रहा है, एक्स को फाई के बाद, तो एक्स वाई पोलर कोऑर्डिनेट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, yes, कैसे निकालेंगे? देखो आपका ई आर होता है माइनस और सॉरी माइनस डेल पाई ओवर डेल आर, ई थीटा होता है जो पहले वाले में मैंने किया है माइनस वन अपॉन आर डेल पाई ओवर डेल थीटा, इनको अलग अलग निकाल लेंगे। और जैसे मैंने पिछले वाले में इनका रिजल्ट नहीं निकलवाया है, उसको भी आप निकाल देंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पीछे वाले टॉपिक की तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to quadrupole, due to quadrupole। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वही लगाएंगे, इतना ही करेंगे।